श्री वृंदावन की व्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटा पोटा करता था, अपने सखाओं के साथ अटखेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता, शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहते थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो ठीक रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर व्रज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी व्रज से दूरी महसूस नहीं करने देता। इसलिए वह वहाँ अपने आप को अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखी बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुँचा, तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बतलाया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन में आए हुए, तो अब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी। तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा और लजा सी गई और उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता, किसको रिझाता रहता। ललिता को यह सब समझ नहीं आता था। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हैं? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पांव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहाँ पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे।
बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ ना आया, वह अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना जी में चली गई और वो घबरा सी गई। घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुरीदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतना घबराई हुई क्यों है? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथों को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी। उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भर कर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल का थोड़ा सा पानी पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत ही प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी पे पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जू और लालजू नजर आ रहे हैं। ललिता घबरा कर दीवार के सहारे टीक लगा कर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में न जाने कैसी अश्रुधारा बह रही थी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिय क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी ना निकल रहा था, परंतु उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलके हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झंझोड़ कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार वाली छवि दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है। आज तुझे मेरे श्यामा और श्याम जू ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ नहीं समझ पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी, इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम लेके गया था ताकि तुझे भी वहाँ पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है।
जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ रहे थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे, इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। व्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उसे आनंद से प्राप्त प्रेम की मृत तृष्णा को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आंखों से निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा में सराबोर हो सके। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। ये कथा श्री बाके बिहारी मंदिर के एक सेवा अधिकारी की है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी की जय जरूर लिखें। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।